बात है, तो गैस पेपर देखते रहो। तू कितना गैस पेपर रखोगे? मैं कल उसको गलती कर दी, इसमें देखते कि सब बोला सही है। कौन बोला सही है? पकड़ के लाओ उसको। एनीबॉडी सही सही पढ़ाए सर, और हम सब बुक में देखे, इधर भी नोट में देखे ना बनाया हुआ है। तू जो मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट है ना, उससे जाकर मिलो, और वो कहना फलना आदमी बनाया है। समझ में आ गया ना? चलो टेक्निकल वाला उसे लगभग बता देगा। टेक्निकल वाला भी वही बताएगा जिसको जिसको ज्योमेट्री का ज्ञान है, जिसको ज्योमेट्री का ज्ञान है वो टेक्निकल वाला कैसे बताएगा? और खास करके सिविल वाला हो सकता है, ये बात जान लो, क्योंकि बाकी ब्रांच वाला मैथ नहीं होता है ठोस, सिविल को छोड़ कर किसी ब्रांच में मैथ नहीं होता है ठोस, क्योंकि लोग का मैथ तो कम ही नहीं उतना है। एनी बडी सिर्फ सिविल ठोस मैथ है ज़्यादा, हम लोग सब दिन मैथ को जोतते हैं। चलो पढ़ो इसको, पहला सवाल क्या कहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, जोर से बोलो तो मेरी मिरा आ रहा है, जोर से चिकरो। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए से के और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन सेक टेन को किसे बदलना है? कोट ए में, यानी कि साइन सेक और टेन का इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से करो बदले कोट ए में। जो मैंने बताया वो इन दोनों में कम करेंगे काम, लेकिन जो वो जो है ना, इसके बाद जो तुम बनाओगे चार नंबर के बाद जो प्रूफ करने वाला है, थोड़ा सा तुमको दिक्कत ही सवाल में होता है, उसमें आराम से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड जो कंसेप्ट यूज करेंगे इधर उधर वाला, लगभग वही सारे सवाल में होंगे। तो बताओ साइन ए को बदलना और सेक ए और टेन ए को बदलना है कॉट ए के पदों में, बदलना है ना जी। चलो साइन ए क्या लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर ए जी नहीं लिख सकते हैं, रूट चढ़ाएंगे तब बराबर होगा बात। और इसको इतना नहीं लिख सकते हैं, ऐसा रूट कैंसिल ऐसा क्यों किए? फार्मूला बैठाने के लिए। साइन स्क्वायर ए बराबर बोलो क्या होते हैं? साइन स्क्वायर वन बटा कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर होंगे, सी ओ एस ई सी, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर होंगे। अब बताओ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर वन, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर वन, तो कोसेक स्क्वायर और वन प्लस कॉट स्क्वायर जी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं? वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। तू बुक का बात करते हुए एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, तू देखो जा करके, तुमको इस चैप्टर में भी एक सवाल है कहीं मिस प्रिंट, अब वो हालांकि देखे ना उदाहरण मिस प्रिंट है, नहीं है, अगले बार जो पढ़ाए होंगे उसको हम सही करवाए होंगे उस चीज़ को। देखो उसके बाद फिर चलो बात वो सब ख़त्म करो, जो बता देते हैं वही सही है और वो ऑथेंटिक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, बोलो कोसेक स्क्वायर ए बराबर, एंगल जो है वही रख देंगे, इसको उधर भेजो क्या होंगे बताओ? वन बाय वन प्लस क्या होंगे? कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर होंगे, रूट में है ना, दिमाग ने काम कर रहा है। इसको रहने दो, इसको क्या किए उधर भेज दिए, नहीं हुआ अच्छा ठीक है, तो इसको चलो यहाँ लिख देते हैं, तो एक का बराबर मूल एक, इसमें रूट लग जाएगा, यानी कि वन प्लस क्या होंगे? कॉट स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ो किससे बदलना था सबको? कॉट में, दस में। चलो अब कौन चीज़ है? सेके। अब क्या है? सेके किससे बदलना है? कॉटे में। कॉटे में अब सोचो सेके को कैसे, सेके कैसे बदलना है? कॉटे में, तो सेक को बदल देंगे टेन में, तो टेन को फिर कॉट में बदल सकते हो, सेके किससे बदल देंगे? टेन में। अच्छा सेक थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, रूट अंडर क्या लिखेगा बताओ? वन प्लस थीटा डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट जी डायरेक्ट लिखो, एक हिट विकेट मारो अब सीधा, इधर उधर वाला इधर उधर वाला बात बहुत कर चुके हो तभी से होंगे जी। अच्छा अब टेन को किसे बदल देंगे? टेन को कॉट में, टेन थीटा बराबर वन बटा कॉट थीटा जी, तो वन प्लस क्या होंगे? वन अपॉन कॉट स्क्वायर ये होंगे, एक का स्क्वायर करेगा तो एक ही होंगे, और रूट चल रहे तो रूट क्या देंगे? दे लगा देंगे, हो गया, छोड़ सकते हैं, यहीं भी कोट मतलब चुका है, एल्सन लेना तो नहीं मानना तो छोड़ दो सीधा आंसर। फिर देखो क्या है? टेन ए, उसको तो आसानी से कर सकते हो, टेन ए बराबर वन बटा क्या होंगे? एक बटा कॉट ए, उतु बना कर ना दो नंबर का इसी प्रकार का सवाल वो भी है, वो छोड़ रहे हैं इसलिए हम। क्यों कौन ए के वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को से के बदले बदल में लिखिए, है ना, एंगल ए के जितना त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पाँच को है उसको सब किसमें दे दीजिए? सेके में, इसी प्रकार से काम करना और सवाल ओके होंगे, सॉल्व होंगे, एक छोड़ रहे हैं तुम बना कराने के लिए, है ना। चलो अगला पढ़ो सवाल, सवाल लिखा मान निकालिए तीन में, साइन स्क्वायर 63° प्लस साइन स्क्वायर 27° बटा कॉस स्क्वायर 17°
प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कितना है यहाँ पर 73 बोला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे, होते हैं ना। अच्छा, जो जो एंगल यहाँ है वही क्या होना चाहिए, यहाँ हटा के रखो किताब साइड में, जो एंगल यहाँ है वही क्या होना चाहिए, तब लगेगा फार्मूला, वरना फार्मूला नहीं लगेगा, है ना। अच्छा बताओ, क्या एंगल दोनों सेम है? नहीं, एंगलो सेम नहीं है। दोसर की साइन एगो कॉस रहेगा तब फेन ऑन करो तब लगता है, समझ में आ गया ना। यहाँ तो बोला बात नहीं है, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर, एक को किसी को बदल दो कॉस में, जिसको मन करे उसको बोलो किसको बदले, तुम ही लोग बताओ किसको बदलना चाहते हो, जिसको कहेगा हम उसी बदल देंगे, किसी को बदल देते, मान लो इसी पहले को बदल देते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस क्या डिग्री, 27 डिग्री कितने होंगे, 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या होंगे, 27 डिग्री। अब बोलो इसको क्या करोगे, बदल दीजिए 73 साइन वो है ना जी, तो साइन स्क्वायर क्या होंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस। यदि आप फास्ट खींचेंगे दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा इतना स्पीड चलो मीडियम पर काम करेंगे हम लोग, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 27 डिग्री प्लस, ये क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर। उनको बनाना है नोट्स, जितना पढ़ा रहे ना उसका अच्छा से फेर कर लो, और वो ऑथेंटिक है, समझ में आएगा ना, और आगे तुमको काम देगा। बाकी तू क्या किया उन्हें कि हमको नहीं है पता, साइन 90 माइनस इसको मोबाइल रखो इस पर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और तुमको एक और बना लोगे तो बार बार परेशानी नहीं होगा, ठीक है लिखे हैं जी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होंगे। हाँ सही है सर, सोच रहे आखिर भांत क्या हो रहा है, ये तो हम रुके हुए हैं कि तो फिर तो कौसे मार रहा है, यहाँ तब क्या होंगे साइन, ठीक है ना, गॉप में तो भी लग गए थे। चलो कॉस स्क्वायर कैसे डिग्री होंगे, अब देखो एंगल क्या है, एगो कॉस एगो साइन, तो ई भी एक, ई भी क्या होंगे एक, तो बराबर आर एच एस। प्रूफ करना था क्या, देखो तो नहीं था प्रूफ, मान निकालना था, मान निकालना तो हो गया। चलो दो नंबर बोलो, साइन 25 डिग्री तो कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। पहले छोड़ो, देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन तुम लोग नहीं जरूरी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस, पढ़े हो इंटर क्या, तो फिर सूत्र कैसे पता है तुमको, खाली बोल रहे थे पीछा पीछा बोल दे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये दोनों जोड़ो 65 25 कितने होता है, 65 25 90 90, तो साइन 90 डिग्री साइन 00 साइन 91 एक आंसर इसका निकला, समझ आ गया ना। चलो अच्छा, यहाँ हम लोग क्या दिख रहे हैं, अच्छा सोचो ये देखने के बाद क्या फील होता है तुमको, कोनो सूत्र याद तो नहीं होगा 25 डिग्री, ना ये याद होगा ना ये याद होगा ना ही याद होगा, 65 25 तो रटे नहीं हो, ये एक देख रहा है यदि, अच्छा यदि यहाँ कॉस 65 हो जाए या साइन साइन 25 से हो जाए, साइन स्क्वायर हो जाएंगे और वही यहाँ तो एक तब बैठ सकते हैं वहाँ, तो किसी एक को बदल दो किसी में, मान लो साइन को बदलना है तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 65 डिग्री, तुमको याद ही होगा कॉस 65 डिग्री है ना, यहाँ लिख दें। अब इसमें किसी को एक बदल दो, अच्छा देखो अब वो भी है किसको बदले हो, यहाँ बदलेगा तो साइन नाइन थीटा कॉस थीटा होगा, नहीं कॉस 65, यहाँ भी क्या होंगे कॉस स्क्वायर 65, पक्का यहाँ होना चाहिए साइन स्क्वायर 65 तभी जोगार बैठेगा, इसीलिए साइन में यहाँ क्या होना चाहिए साइन में, किसको बदलेगा कॉस को, साइन को बदलना यदि इससे बदले हो साइन से बदलना है तब कॉस को, ये बात कारण बता दिया मैंने, तो बोलो इसको क्या करेगा कॉस 90 डिग्री माइनस क्या करोगे 65 डिग्री इंटू साइन क्या करोगे 65 डिग्री, तो साइन 90 में थीटा बोलो जल्दी से कॉस थीटा प्लस क्या होंगे कॉस 65 डिग्री, कॉस 90 में थीटा बोला बोलो साइन थीटा प्लस ये क्या होंगे, आप बताओ कॉस इंटू कॉस क्या होंगे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, देखो एंगल कभी नहीं गुना होते, एंगल वही रहेंगे है ना,
ऐसा डिग्री, ये प्लस क्या होंगे? अब देखो जो जहाँ एंगल है वही एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रूफ करने वाला था ना। चलो समझ में आ गया ना, अगला पढ़ो। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसका कॉमन ले लेंगे। नाइन क्या करेंगे इसमें? कॉमन। देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा में कितना और क्या है, 9 × 1 बराबर क्या होंगे? दो नंबर बोलो, सवाल बोल रहे हैं। अरे खाना ही नहीं मिलता घर में इसको भर के। 1 + 10 हाफ रहा है प्लस से थीटा। छू बोलने रहे हो तो हम बैठे रहेंगे तुम्हारे आशा पर। अब बोलो, अब से अप्लाई करो, की दिख रहा है यहाँ पर? साइन कॉस दिख रहा है जी, कहाँ दिख रहा है साइन कॉस? नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, आँख बंद के? साइन कॉस है तो ठीक है, नहीं है तो पहले बदल लेंगे, पाला कम ही करो जी। साइन कॉस नहीं है ना, आँख बंद के साइन कॉस में बदलो। 1 + 1 बोलो, साइन बटे कॉस थीटा, कोंजुगेट थीटा बराबर 1 / साइन कॉस थीटा। बोलते जाओ, हम लिखेंगे, हम बोलने वाले नहीं, बोलते जाओ। 1 + जोर से साइन कॉस / साइन थीटा 1 / साइन थीटा। अच्छा अब क्या दिख, मन में करता है हम ले ले, जो मन में करता है वही करो, जो दिखता है वही करो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जो दिखता है घिसते जो अपने फूट जाएगा आँख मन के। दिख रहा है एल्शियम ले लो एल्शियम, तो यहाँ एक नीचा में एक है तो गुना क्या होंगे? साइन ये कैंसिल, क्या बचेंगे? ठीक है ना जी। फिर यहाँ बोलो, यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ भी एल्शियम दिखता होगा, कुछ नहीं करना है, जो दिखता है वही करो, बात खत्म है। एक से क्या होंगे यहाँ पर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, ठीक है। क्या लाना था? ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शन दिखाओ। 0, 1, 2, 1, -1 यही लाना है ना, यानी कि इसको तोड़ना है, हटाओ। जब ऑप्शन देख कर काम करना चाहिए, यानी कि 0, -1 यानी कि कॉस साइन को सब क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब सोचो कैसे हटेंगे, यहाँ कॉस प्लस क्या है? यहाँ साइन प्लस क्या है? कॉस। क्या देखते हो दोनों? स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा प्लस साइन प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है रामलाल, इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन में कॉस गुना क्या होंगे? अभी हमको दिखा कि ए बुझो पूरा को, क्या बुझो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए किसको बुझे हो? पूरा को ना, पूरा क्या बुझे हो? ए, तो लिखो कॉस थीटा प्लस क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, ये अथी में लागल पैड में। आज तो नया नया क्या आया है सर जी? नया नया लगा। चलो ये ले, नहीं ले पाया, घर में रखा है। चलो चलो बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फटाफट फटाफट बोलते जाओ, तुमको शांत रहना है। स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin² 2 sin cos प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन ना, बोलते जाओ। फिर माइनस माइनस ए, एक समझ में आया सबको? ए प्लस बी तोड़ दिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बोलो एक होंगे ना। अब प्लस ये माइनस 1 यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2 sin θ इंटू क्या है? कॉस थीटा अपॉन में क्या है? कॉस थीटा इंटू है ना, कोई दिक्कत ना? ये कट गया, भाग लगाओ इसमें, तो 2 sin θ cos थीटा, cos थीटा sin cos cos और sin sin कट के क्या बचेंगे? 2। ऑप्शन नंबर जो होंगे आंसर। नेक्स्ट सवाल हटाओ, पेड़ को हटाओ। समझ में आ गया ना? हाँ। मैंने क्या किया? जो दिखा वही किया, सीधी सी बात है। चलो 3 नंबर में, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 - sin a बराबर है sec 10, कोनो निष्पत्ति है वो, है ना? हाँ, तो अब क्या दिख रहा है बताओ?
इसमें क्या दिख रहा है sec का प्लस tan है। तू चाहते क्या दिखना चाहिए, हम चाहते हैं sin cos, लेकिन है ना बदलो 1 बटा cos प्लस सीधा क्लू धर लो। अच्छा ए है, हां आगे बोलो sin बटा cos एंगल कौन, हम बोलेंगे तू बोलेगा एंगल इनटू 1 एक बटा साइन छ। अब क्या दिखता होगा इसमें बताओ, अकेले ले लेंगे एलसीएम जो दिखता है वही करो। हाँ बस 1 प्लस साइन, अब क्या दिखता होगा, ए प्लस बी माइनस भी दिख रहा है ना। हाँ। दिख रहा है तो ठीक है, नमा पर का हो ए प्लस बी माइनस दिख रहा है ना, पहले उसको लगाओ। पहले मैंने कहा जो दिखता है उन घसते जाओ, आंसर मत देखो, बोलो ए प्लस बी माइनस बी क्या होंगे, ए प्लस बी या माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या होंगे, बी स्क्वायर होंगे। हाँ। अब बटे में क्या है कॉस स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर एक वन माइनस क्या होगा। अब बोलो यहाँ से क्या फील होता है तुमको, वन माइनस माइनस का मन करता होगा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर, अरे मन होता होगा ना लिख दो, तो मना कौन किया है, हम मना किए हैं, हम तो मना नहीं किए हैं। ये कट गया क्या बचा कॉस से आंसर। नेक्स्ट सवाल, कुछ दिमाग लगाने, लोग कहते हैं भारी चैप्टर है भारी, कुछ भी नहीं, अरे जो दिख रहा है कर रहे हैं, सीधी सी बात है, समझ में आ गया ना, आराम बुझा रहा है ना। 1 + 10 चलो नेक्स्ट सवाल, 1 + 10 स्क्वायर ए फर्स्ट पेज लो बेटा, फर्स्ट पेज लो 1 + स्क्वायर देखो, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, इसको क्या करो इधर भेजो, 1 + कॉट स्क्वायर क्या होंगे, कोसेक स्क्वायर जी। अच्छा एक यानी कि 1 + कॉट स्क्वायर क्या लिखे, कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, तो बोलो तो नीचे में क्या होंगे, कोसेक स्क्वायर ये होंगे जी। अब यही दिखा। हाँ। दिखना चाहिए तो कुछ नहीं दिख रहा, तो दिक्कत है, आंख में प्रॉब्लम है कहीं, डॉक्टर से इलाज करवाओ। फिर 1 + 10 स्क्वायर है ना, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 1 + 10 स्क्वायर इधर भेजेगा, सेक स्क्वायर होंगे जी। चलो रखो उसको, अब दिखा लगा दे, सूत्र लगा देते, लगा देते हैं, कहेगा साइन कोसाइन बदल भी सकते हो, ओहो में कोई दिक्कत नहीं है, उससे आसानी है, फॉर्मूला दिखता है तो लगा दो, नहीं दिखता है तब बदलो साइन कोस में, थोड़ा सा और इसमें बात जोड़ लो, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो ना, घिंच दो सीधा सीधी, और नहीं कुछ पूछता है साइन कोस में क्या करो बदल देंगे, अपने सवाल छूट जाएगा सीधा सीधी, समझ में आ गया ना। नहीं सूत्र याद आती हो साइन कोस में बदल दो तो ये बनता है सीधे सीधी। चलो बोलो एक्स के क्या होंगे, सेक स्क्वायर होंगे जी। अच्छा ऑप्शन में सेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर आया, यानी कि सेक कोसेक ऑप्शन में है, सेक स्क्वायर है लेकिन बचा में कॉस स्क्वायर भी है, यानी कि इसमें क्या दिखता होगा जी, मैंने बताया किस में होना चाहिए, साइन कोस में ना जी। क्या है साइन कोस में, क्या करेगा, 1 / cos 1 / cos सेक स्क्वायर बराबर 1 / cos स्क्वायर ए बटा 1 / sin स्क्वायर होंगे जी। अच्छा अब बोलो क्या होगा, ये रहेगा रहेगा, ये कहाँ जाएंगे, ऊपर ऊपर। अब देखो साइन बटे, अब ये हो चुके हैं साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हो इसको जी, यही लिख सकता अभी। अब बोलो साइन बटे कॉस क्या होंगे, तो 10 स्क्वायर ये हो चुका है, हटाओ। नेक्स्ट पेज, पेज 5 नंबर में पढ़ो सवाल, अब बात आती है किसको लेकर चलेंगे, ये बताते हैं किसको लेकर चलेंगे, जो भावगर दिख रहा है बड़ा है नंबर है उसको लेकर चलो, जिसमें कॉट साइन कॉस नहीं रहेगा ना उसको छोड़ दो, छोटा है समझ में आ गया ना, जिसमें साइन कॉस क्या रहेंगे, रहेंगे छोटा, अब इसको कुछ नहीं करना, जो बड़ा टर्म होंगे साइन कॉस नहीं रहेगा बाकी कोई रहेंगे उसको लेकर चलो, तो बोलो इसमें तुमको क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको लेकर चलेंगे, इसमें किसको लेकर चलेगा, जल्दी बोलो ना, एल एच एस को इसमें गजब हाल है, इतना अच्छा क्लू दिए हैं फिर भी तुमको दिक्कत हो रहा है, बोलो क्या होंगे, एल एच एस लिखाओ, कॉस थीटा माइनस हटाओ, बुक को हटाओ, बराबर देखने देखो, 1 - क्या है कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा हटाओ, हटाओ हो गया, समझ में आ रहा है ना, बोलो क्या दिख रहा है, अरे जल्दी बोलो क्या फील हो रहा है तुमको देखकर सवाल को, मन मोहता का साइन को बदल दीजिए, हाँ बदल दीजिए ना, कोई कसर नहीं छोड़ना है, बदलिए दो, 1 / sin थीटा हाँ माइनस 1 आता है पार व्यक्ति भारी है चैप्टर, 1 / sin थीटा कर दें। अब मन में क्या दिखता होगा, कॉमा अति LHS LCM LCM लो LCM, जो मन में दिखता है वही करो सीधा सीधा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब क्या लगा है, अब मन में क्या करता होगा, इसको हटा देते हैं जी, करो 1 - cos² थीटा, 1 - cos थीटा के होल स्क्वायर पूरा होंगे ना, अब बटा क्या होंगे स्क्वायर बैठाएंगे ना, अब अभी तो दिख रहा है बैठा देते हैं, जो दिखेगा क्या करेंगे उसको, सीधी सी बात है जो दिखता है वो करो, है बहन भारी क्या आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है,
चैप्टर तो काफ़ी ईजी है, इस चैप्टर का सामने चैप्टर है, इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, सीधा सीधी देखते जाते करते जाते हैं। या देखो, या तो तू 1 cos θ का लॉस करेगा तो क्या निकलेगा, 1 cos θ प्लस का cos स्क्वायर निकलेगा। या यो कर सकते हो, कोई या एक चीज़ कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 cos² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी, एगो ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर पूर गया। दोनों में से कोना कर सकते हो, जो मन में आए वही करो, काटने वाला बनवा कर करो, जो मन में आया वही करेंगे, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, ऊपर वाला वाला छोड़ दो। 1 cos θ का होल स्क्वायर, इसको करो साइन स्क्वायर थीटा का, 1 क्या निकलेंगे cos स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर लिख सकते हो ना, अब बोलो क्या लिखेंगे, 1 cos θ का क्या करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी का होल, ई उम्र में सूत्र तुमको याद नहीं है, और तुम कहता है मैथ पढ़ा दीजिए हमको, देखो ई वन में ये क्या हो जाएंगे, क्या बचा, वो मिला और आर एच एस देखो मिलता है, हाँ मिलता है, अगला सवाल बोल दो। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो भी है 2 नंबर, जो भी अपना नंबर अपना देखते रहो, एल एच एस बताओ, एल एच एस क्यों लिखा रहे हो, बर्गर है वो नंबर है ना, क्या है LHS? cos a बटे 1 plus sin a बटे cos a। हाँ, बराबर 2 से के है, चलो अब बताओ, अच्छा की बार तो पहले से है cos sin a में, तो दिखता होगा LCM दिख रहा है, अब यही नहीं सोच रहा है, LCM सोच कर, LCM के सिवा कुछ पता चल रहा क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले क्या करेंगे, जो दिखता है LCM ले लो, मन होता का अरे साइन को तो पहले से है बदल ले है, 10 cos से नहीं है तो बदलेंगे कैसे, साइन कोस में पहले साइन कोस में, साइन कोस में रहेगा ना, जो दिखता है वही करो, बोलो एलसीएम दिख रहा है ना, अभी एलसीएम को दिख रहा है, एलसीएम तो ले लेते हैं, एलसीएम बाद में फट जाएंगे, क्या होने वाला, लो एलसीएम 1 + sin cos है ना, किसी को लिखो पहले, अब एलसीएम लोग क्या होगा बताओ, ये कटेंगे cos से गुना cos से cos स्क्वायर, ये कट गया 1 + sin a 1 + sin a, बोलो क्या होंगे, 1 + sin a का पूरा क्या होंगे, अच्छा अब क्या दिख रहा है, इसका उसका तोड़ दे, नहीं दिख रहा है तो वही करो, जो दिखता है वही करो, चलो cos स्क्वायर a 1 + sin a स्क्वायर, बोलो 1 + 1 + 2 sin a, अब प्लस क्या होंगे, बोलो अब क्या दिख रहा है, लिखते हैं इसको पहले, अब देखो एगो सूत्र लगने एगो तैयार हो चुका है, ये कहता हम cos स्क्वायर है, वही फिर क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर है, हम क्या लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, देखो ये देखो एक पहले से बात नहीं बदलना, एक प्लस इसका दोनों मिला के एक, अब प्लस फिर क्या, एक अब प्लस फिर क्या, अब देखो एलसीएम उल्सीएम आने वाला है ऊपर में, नहीं आने वाला है, हमको तो दिख रहा है, तुमको कहीं दिख रहा है, एक एक दू हुआ ना, दे लो एक एक कते हो गया, अब होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम ऊपर में, तो पहले 2 कॉमन ले लो, जो दिखता है फटाक वो कर लो आगा, तब सोचना नहीं सोचना, अब क्या उसके बाद फट जाएगा क्या होंगे, जो दिखता है पहले तत्काल वो काम करो, बुखार लगा बुखार गोली खाओ, तुरंत कोरोना मत चेक कराओ, समझ में आ गया ना, कहीं छूट जाए उसी से, चलो 2 दिख रहा है ना, 2 क्या कर लेंगे, घींच लिया कॉमन, चलो 2 कॉमन घींच लिया, अब क्या दिख रहा है ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, है ना कटने वाला, जो पहले दिखता है वही करो, काट दो उसको पहले, हटा देंगे, अब बोलो अब 2 cos से इसको लिख सकते हो ना, 2 × 1 cos से नहीं लिख सकते हैं, और 2 sec 1 cos से बराबर क्या होती है, तो 2 sec a बराबर RHS प्रूफ, नेक्स्ट पेज बदलो, फ्री फायर कहाँ खेल रहे हैं अभी, और हमें स्पीड हो रहा है ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा है, मैट्रिक वाला तू लोग तू को समझ नहीं आते, मैट्रिक 5 है पास के, तू कहते दू दू बनाए हैं, तो दिक्कत है, सिद्ध करेगा करेगा, अब समझ में आया सिद्ध करने वाला, हम था कुछ एक्स्ट्रा, हमको तो जो दिख रहा है वो कर रहे हैं, हम बना देते हैं तब बोलते हो, पहले कहने बोलते हो, हटाओ सवाल हटाओ, सर जी तनिटा धीरे बोलिए गाने, मैं तो समझ नहीं सक गई था, तभी सुनने नहीं किए, क्या नहीं सुना था, क्या बोले सवाल लिखो, तो तू याद कहीं नहीं किया, याद है सर जी, सर हैं याद हैं, याद पूछ हैं, पूछ लिखे पूछ हैं, ठीक है ना, चलो खैरास लेते तब पूछेंगे, समय आ रहा है, तू लिखा ना सूत्र, चलो चलो ठीक है, तो बहुत पढ़ा लिखा है, 5 का फार्मूला इसमें क्या पूछ, इंटर से पूछा जाता है, लिखाओ
वही क्या लिखा रहे हो, लंबा वही दिख रहा है, लिखा वाला चस्को प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा बराबर वन प्लस सेक थीटा। छोड़ो ना उसको, क्या दिख रहा है इसमें जल्दी बताओ, इसमें क्या दिख रहा है अभी? टेन कॉट तो क्या करेगा मंत्र, क्या शुरू में पढ़ाए थे? साइन बटे कॉस। हाँ धर ले रहो उस मंत्र को, राम बहन इलाज है सब सवाल का। वन माइनस बटे साइन, यही दिख रहा था अभी, पहले कर लो तत्काल वो काम करो, समझ में आ गया ना? cos बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटे। अब क्या दिख रहा है? हैं इसका एलसीएम, सूत्र लगा ले लेते हैं एलसीएम, बाद में देखा जाएगा कुछ क्या करेंगे नहीं करेंगे। लो पहले एलसीएम, लो एलसीएम, sin गुना 1 माइनस क्या होंगे, ठीक है? फिर यही काम यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना? बोलो कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो, गुना करो। साइन थीटा अब है, अब देखो अब ऊपर नीचा करके ठीक से सिस्टमेटिक कर देते हैं। ये दिख रहा है सिस्टमेटिक, बस उलझल बुझा रहा है इसमें, ऊपर नीचा भेज देते हैं सीधा, एक बटा ला देते हैं चाहे दो तीन को, यहाँ बटा है तो बोलो क्या करोगे, किसको पर भेजेंगे? यही काम यहाँ कर देते हैं जी, ठीक है ना? अच्छा अब गुना कर देते हैं सीधा, साइन गुना साइन क्या होगा? बहुत खूब, नीचा में लिखो साइन इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या फूर रहा है बताओ, एलसीएम। अच्छा एलसीएम लेंगे उससे पहले देखो साइन थीटा माइनस यहाँ क्या है, यहाँ कॉस थीटा माइनस क्या है, यदि माइनस घिंच लें इससे तो ये दोनों पैकेट सेम हो जाएंगे, इसे माइनस क्या करेंगे बाहर घिंच लेंगे माइनस। बहुत आसान है 8.4, अब पता नहीं लोग कैसे भारी बना देता है, सीधा सीधे जो दिख रहा है वो करो, साइन कॉस नहीं है बदल दो, तो यहाँ माइनस खींचेंगे प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएंगे प्लस प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, साइन चेंज कर देंगे। अच्छा अब एलसीएम लेने में कोई दिक्कत? लो एलसीएम जो दिखता है वही करो, ये दोनों पैकेट में से एक आया आया ना। हाँ। आगे बोलो आएगा साइन और कॉस, ठीक है ना? हाँ। अब लो एलसीएम कॉस कॉस क्या हुआ मेथड ऑफ क्या हुआ जी, माइनस से डायरेक्ट कैसे बदल दिया, यही ऐसा ऐसा इस पर इस अति में मतलब यही कर रहता है में। देखो डायरेक्ट माइनस इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ो, बोलो चिकर के बोलो, इसमें क्या लिखा हुआ पैकेट में अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि माइनस ले लेंगे कॉमन तो सेम नहीं मिल जाएगा, माइनस कहाँ कॉमन ले रहे थे, इससे माइनस बाहर निकाल लेंगे, इससे माइनस क्या किए बाहर निकाल लेंगे, या ऊपर नीचा माइनस से गुना करने अपने बहुत से बुझो, कोई दिक्कत होगा? यहाँ भी माइनस से गुना, यहाँ भी माइनस क्या किया, यहाँ का माइनस से ई प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ का माइनस अंदर भेजो तो माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब बुझो अब समझ में आया है? अरे बोल ले तू रहा नहीं, नहीं आया समझा छोड़ेंगे तुमको, तो कैसे नहीं बुझेगा अगले बार साफ समझ थे करने समझ लिए थक गया था, तू हमसे तो नहीं पढ़ा था अगली बार, नहीं पढ़ा था, अब की बार देख लेते हम भी आजमा करके। अरे देखो यहाँ तक समझा है ना, यहाँ तक समझना कोई दिक्कत, रफ कॉपी है तुम्हारे पास, लाओ कॉपी लाओ अभी, हाँ इस पर नहीं कचरा करेंगे क्योंकि इस पर सवाल अपना चलेगा ना प्रोसेस में, जहाँ नहीं आता है ना वहाँ हम कुछ हो सब चीज़ का इलाज है, ये सोचो कि उन नहीं समझा पाया तो हम भी नहीं समझा पाएंगे, वो उसका प्रॉब्लम होगा ना, तब फिर पाँच बार पढ़ने का फायदा तब क्या हुआ, जब तुम्हारा समस्या दूर नहीं फिर फायदा क्या हुआ पाँच बार पढ़ने का, इस स्टेप को छोड़ देते हैं आप यहाँ चलो आगे, इस यहाँ इसमें दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ इसको लिखते हैं कोई दिक्कत, इसको लिखते हैं चलो प्लस लिखा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा। अच्छा ठीक है एक दो को पहले छोड़ो हटाओ त्रिकोणमिति लफड़ा, ये सब नहीं बुझता है। अच्छा चलो एक्स माइनस टू है ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, कैसे निकालेगा माइनस, हाँ तो टू एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे टू एक्स होगा टू माइनस एक्स होगा ना, या उल्टा
ये समझ में आता है तुमको बताओ पहले ये नहीं आता है देखो दो से भाग का फर्क पड़ता है बोलते जाओ तीन से भाग कोई फर्क तो माइनस से गुना माइनस भाग कोई फर्क पड़ेगा कट करके फिर क्या हो जाएंगे यहाँ माइनस से गुना कर दो और यहाँ क्या करो अब बोलो कोई दिक्कत अब ये माइनस से गुना करेगा ऐसे बोलो ये क्या होंगे माइनस एक्स गुना एक तो माइनस एक्स होंगे माइनस गुना ये तो प्लस क्या होंगे अब बटे में क्या है माइनस अच्छा इसमें कोस्ट लगा दे कोई कष्ट लगाओ कोस्ट लगा दिया अब क्या माइनस ऊपर जाएंगे ये माइनस ऊपर नहीं जाता है ऊपर माइनस माइनस ऊपर जाते हैं जान लो यही नहीं पता है तो बेसिक चीज़ माइनस कहाँ से ले जाएंगे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऊपर लगा नीचे लगा ऊपर लगा बगल में भेज सकते हो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है अरे सरल का आलू है गंध सगरे फैलाएगा ये समझ रहे हैं ना चलो तो अब बोलो यहाँ से क्या होंगे इसको लिख सकते हो ना टू माइनस एक्स ये माइनस ऊपर चला गया यानी कि ये पहले क्या था एक्स माइनस टू था पहले इसको क्या लिख दिए हो ये चीज़ इसको क्या लिखे हो ये चीज़ ये समझ में आया इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो पुरना चाहिए ना देखते हैं तोड़ के एक बार माइनस गुना करेगा तो माइनस टू माइनस माइनस क्या होंगे एक्स माइनस टू देखो पूरा आए एक और कम कराओ अब नीचे हम बोलो कमल लेकर कैसे करेंगे बता तू माइनस कमल लेकर बता इसमें हमको इसमें माइनस कमल लो जैसे यहाँ किया ना नेक्स्ट समझ में आता है कोस्ट लगा दो ऊपर नीचे माइनस से गुना करने पर दिमाग नहीं काम बस फर्क पड़ेगा इससे कोना फर्क नहीं पड़ा कोई फर्क पड़ा अच्छा माइनस एक बट्टा माइनस इसमें क्या करेगा करो गुना तो हो जाएगा माइनस एक्स उसके बाद बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोस्ट अच्छा इसको लिख सकते हो ना इसे टू माइनस एक्स ये बुझा यो बुझ गया जाओ अब इसमें देखो हम चाहते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है बोलो चिकर के यहाँ क्या लिखे हुए अब इसमें माइनस क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचा है लो ऊपर गुना और नीचे गुना ऊपर गुना किया और माइनस से ऐसे माइनस से गुना क्या छोटा कोट लगा कर किया जाता है गुना यहाँ प्लस लिखा हुआ है बोलो ये माइनस यहाँ गुना ये कौन से लिखे है ना तो प्लस ये माइनस क्या करो रहने दो इस माइनस को अंदर भेजो क्या करो ब्रैकेट के अंदर कर क्या करेंगे उसको हम लोग तो गुना करेंगे तो साइन थीटा तो माइनस गुना कॉस थीटा बोलो क्या होगा माइनस कॉस थीटा बहुत पहला लिखा हो माइनस से गुना करो माइनस को बोलो प्लस साइन थीटा अब देखो ये प्लस है ये क्या है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस अब बटे हम बोलो कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख देते हैं पहले प्लस वाला को अभी तो लिखा था ना शुभ होता है तो लिखो तो साइन थीटा माइनस क्या हो गया ये कोसेक थीटा ई का हम लोग क्या करते हैं ई बिना किए हुए डायरेक्ट इससे माइनस घींच के यहाँ कर देते हैं बाहर दो के स्टेप काट लेते हैं इससे तुमको पता नहीं चलता है अब समझ में आया सर जी एक साइड माइनस ऊपर में दिया नीचे में दिया तो उस साइड भी देंगे प्लस दोनों से जहाँ देंगे दोनों बगल में जैसे यहाँ दिए इस साइड का थी अंक में देंगे नहीं उसमें कुछ नहीं करना जरूर एक साइड दे सकते हो हाँ कहीं जहाँ मानो वहीं दे सकते हो कॉमन अब देखो ये तो एक्चुअली माइनस कॉमन लेते हो ना तो वहाँ पर एक कंसेप्ट लागू होती है आप इतना लिखते हैं डायरेक्ट माइनस निकालना होगा ना कॉमन सुखो अब जहाँ डायरेक्ट ट्रिक बनाओ डायरेक्ट यदि माइनस खींचना होगा बाहर माइनस क्या करना होगा तो बगल में माइनस कोना कर दो अंदर वाला का साइन चेंज कर दो माइनस का लिख दो प्लस और प्लस का लिख दो माइनस अब बोलो अब देखो जैसे इस सवाल में अब तू इसमें खुद बताएगा हम नहीं बताएंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब तू खुद खींचो निचला क्या खींच लो खींचो माइनस निचला प्लस इसमें से माइनस खींचो बाहर तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे होंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे बोलो क्या होगा साइन क्या करेगा अंदर में चेंज करो साइन प्लस होगा माइनस माइनस होगा प्लस करके बताओ इससे माइनस घिजा ना बाहर इस अंदर वाला का साइन बदल दो यहाँ प्लस लिखे हुए ना तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस यही बात तो है इसको फिर ऐसे सजा के लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इसको लिख दिया पहले साइन थीटा और माइनस क्या लिख दिया कॉस थीटा खोपड़ी में गया नहीं गया खोपड़ी में दी कहा नहीं समझ में आएगा तरीका होता है हमको पता है तुम्हारा कमजोरी एक्चुअली कहाँ है तुम्हारा जड़े खराब है पहले तुमको जड़ मजबूत किए हम नहीं सर जी अरे वही बातें हैं जी बात है डायरेक्ट वहाँ प्लस माइनस कर देता है अब समझ में आ गया ना जड़ खराब है तो वहाँ से इलाज करेगा तब ना ठीक होगा सीधे ठीक करोगे ऊपर से तो नहीं होता है कम अब बोलो अब तो प्लस है ना कॉमन ब्रैकेट से मिलने के लिए माइनस घेच लिया है तो साइन अंदर वाला क्या करेंगे बदल देंगे ऐसे रखो ध्यान में समझाने के लिए मैंने समझा दिया है तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गए ये ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल क्या बचेगा यहाँ पर साइन गुना साइन पर थीटा बोलो साइन क्यू थीटा टाइम ही लगाएं दो मिनट लेकिन तुम्हारा समस्या तो निदान हो गया
लगेगा लगेगा, ये कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ, कॉस माइनस क्या होगा, कॉस क्यू थीटा। अब देखो, अब सीधी सी बात है, अब तो एलसीएम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है हमको, एन दिख रहा है, अभी कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कुछ दिमागे में सीधा ए क्यू माइनस बी क्यू काम कर रहा है, जो दिखता है पहले वो कर लो, तुरंत इलाज करो उसका, बोलो कि बी क्यू फार्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस, वो बोला नहीं, ए माइनस गुणनखंड वाला फार्मूला माइनस बी का, ए माइनस बी आई इन टू ए माइनस बी आई इन टू ए स्क्वायर प्लस, बोलेगा शांत रहो, इसको सूत्र याद नहीं है, ए स्क्वायर हाँ प्लस टू ए बी हाँ रहने दो ना, ठीक है प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर है, और क्या पढ़ाते हैं, ए माइनस बी इन टू, हटाओ सूत्र याद करता है, स्क्वायर खाली फ्लूड पेन पी के फर्टाइचर वाला अथी का मतलब स्टाइल धारे बनाते भर दिन, एगो ए माइनस बी का होल क्यों नहीं तुमको क्यों मुझे पता है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा ना, तरीका सीखो, यहाँ यदि माइनस यहाँ क्या लगा दो, माइनस सीधा यहाँ माइनस यहाँ क्या लगाएगा, माइनस यहाँ लगा देंगे अंदर में प्लस होंगे, तू सोचो यहाँ टू होगा तो तब तो ये प्लस बी का होल क्यू हो गया, टू नहीं होता है इसमें, इसमें टू, अच्छा अब बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने क्या सिखाया, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस अंदर में प्लस, अल्टरनेट साइन इसके जगह आप चेंज करते हैं, अब बोलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो सूत्र में पहले क्या लिखेगा, लिखेगा अंदर में इसको ए माइनस बी कर देगा ना, ए गुना बी यहाँ क्या कर देंगे, अब प्लस क्या होंगे, बी स्क्वायर, सूत्र याद हुआ, याद हो गया ना, चलो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र पे क्या बैठाएंगे, ए माइनस इसको ए बोझो क्या बोझो, ए माइनस बोलो बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या करेगा, माइनस की प्लस, क्योंकि यहाँ क्या दिख दिखे हो, यहाँ क्या होंगे ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू क्या होंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बोलो क्या होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे लिख देंगे उससे भी कुछ करेंगे, हाँ दोनों दिमाग खो ठो से देखो, साइन थीटा माइनस हो गया, साइन थीटा माइनस क्या है, जो काटता है ना पहले काट दो तब आगाम बढ़ो, ज्यादा दिमाग मत खर्चा करो, दिमाग को असर पड़ेगा ना, अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या होंगे, पहला काम वो कर लो, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, अब देखो एक बार प्रूफ करने वाला क्या था, एक बार मुँह मिला लेना है उससे, नहीं होगा ये होगा हाँ वन प्लस सेके इंटू को सेके, देखो यही होगा, अरे वही होगा वन प्लस थीटा है ना, चलो अंश अलग होते हैं, हर कभी अलग अंश अलग, एक बटा की हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएंगे, साइन थीटा, अब देखो अब ये बटा ये करेगा तो पढ़ने सेम डिजिट है ना, तो क्या कट के हो जाएंगे एक, अब नीचा में तो एक बटे कोसेक थीटा इंटू एक बटे साइन थीटा, एक बटे क्या लिखेगा इसको, कोस थीटा लिखोगे, आई एन टू बटा क्या लिखोगे, अब प्लस क्या लिखोगे, एक बटा कॉस एक साइन वन बटा साइन कोसेक, अब वो है तो नहीं बोलेगा, मना कौन कर सकते हो, प्लस क्या होंगे बराबर, नेक्स्ट पेज लाओ, ठीक है, कष्ट हो रहा है चैप्टर में, लोग को जनरली कष्ट होता है ना चैप्टर में, हम उतने सेशन कोई चैप्टर नहीं, ऐसे सब बड़ा आराम लगेगा पढ़ाने में, कोई दिमागे लगाना पड़ता है, दिखता करते आराम से हो गया, धकवा पेज लगा ना, पाँच सात को भर देते हैं आराम से, लेते रहना दो को सब लिखल का दिक्कत, सवाल सवाल लिखाओ, सवाल लिखाओ, कितना टाइम तुम लोग के पास, क्या हर ओवर कर रहे हैं, फिर ओवर चलता तो सुपर ओवर में अभी तक कहाँ रहता, निपटा दिए होते, चैप्टर निपट गया होता अभी तक, है ना, हम कहते नहीं हो कहता हूँ खत्म होंगे, क्या कर रहे हैं, मजबूर हैं, बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया ना, चलो वन प्लस अरे हाँ एल एच एस लिखा रहे हो, क्या नंबर है, चार चार नंबर लिखाओ, वन प्लस सेक ए बटा सेक ए है ना, हाँ क्या दिखाएगा इसमें बताओ, क्या दिख रहा है, आ? इसमें सेक ए है ना, मंत्र शुरू में क्या पढ़ाए थे, एक बटा कॉस एक बटा वन प्लस एक बटा क्या होगा, उसको पकड़े रहो चैप्टर में कहीं ना दिक्कत होगा, एलसीएम दिख रहा ना होगा, लो एलसीएम पढ़ ले, बाद में फरियाया जाएगा,
कॉस ए एलसीएम कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस क्या हो जाएंगे नीचा में बोलो होंगे बटावटा तोड़ देते हैं सीधा लिख देते हैं वन प्लस कॉस ए लिख सकते हो इसको ऊपर ले जाओ तो कॉस ए बटा क्या होंगे कट गया इसे कटेंगे क्या निकला वन प्लस कॉस अच्छा क्या इसके बाद इसको ब्रेक कर सकते हो संभव है तोड़ना नहीं है संभव तोड़ना इसके बाद इसको वन प्लस कॉस ए हो सके कुछ काम दिमाग ही काम करेगा इसलिए छोड़ देंगे देखेंगे एल एच एस पूरा है नहीं पूरा है इसके बाद तोड़ भी नहीं सकते हैं इसका मतलब है उसको भी कुछ करना पड़ेगा एल एच एस एल एच एस को भी समझ में आ गया ना क्योंकि वन प्लस कॉस ए आगे फर्दर नहीं जो सकते ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है त्रिकोणमिति का सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है और देखेंगे आर एच एस थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है इसका मतलब उसमें कुछ और करना पड़ेगा तब पूरेंगे इसको समय के नंबर क्या मान लो एक तब उस कंडीशन में कहाँ फिर चलेंगे हम लोग आर एच एस से चलेंगे आर एच एस देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है वन माइनस कॉस ए अच्छा देखता होगा साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर लगता होगा यही तो हमको दिख रहा है अभी कुछ दिख रहा है तो लगा दो रोको हाथ को रोको मत दिख रहा है तो क्या करो लगाइए देना रुकना नहीं है तो वन माइनस क्या होंगे अब मन में कुछ होता होगा वन स्क्वायर लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस अच्छा बोलो ए प्लस क्या होंगे बी इंटू बोलो ए माइनस क्या होंगे बी अब बटे बोलो वन माइनस क्या होंगे अब क्या दिख रहा है दोनों में काट दें हाँ। चलो काट देते तुम लोग कहा तो काटिए देते हैं वन प्लस अब मुँह मिला एक नंबर दो से मिल गया हाँ। तो समीकरण एक एंड कहाँ से दो से एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर नेक्स्ट पर हो सवाल नंबर ये छोड़ देते हैं पाँच नंबर सवाल देख लो एक बार छोड़ देते हैं आसान है बना लेना ये सवाल पाँच नंबर तुमको तो दूसरे को पता होगा याद होगा ना है ये छोड़ दे पाँच नंबर कर दीजिए है आसान सवाल है हमें तो नहीं किए आपके बारे से भी सब छोड़े चले जा रहा अब छोड़ेगा आप कैसे छोड़ कर रहा था दिमाग समझ आ रही समझ अब समझ में आ रहा है हैं इस तुमको इसलिए समझ नहीं आता इस टीचर क्या करते हैं उसके दिमाग में क्या सोच कर वो पूरा है तुमको ये बात केवल तेवन करता था मेन बात इसलिए समझ में आ रहा है सवाल देखो देखो देखते हो ना तो क्या फुरता है मैट्रिक में इसी पर बन जाते हैं अलेवंथ का सवाल नहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा काफ़ी दिमाग यूज करना पड़ता है उसमें तब बनता है सवाल मैट्रिक में क्या दिमाग लगाना मैट्रिक में क्या दिमाग लगाना है पुनः वो तो आसानी सवाल सब बन जाते हैं मैट्रिक का चलो एल एच एस लिखो एगो यही तो सवाल है जो बना रहे हैं अभी सारा कैच करा सवाल एक चीज़ कैच करा है बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें है एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना तुमको इस सवाल में इसलिए मैंने कहा छोड़ देते नहीं बनाएंगे क्योंकि आसान है ये इस सवाल में याद रखना है तुमको कॉस ए से भाग देना है इस टाइप के सवाल एगो और इसमें है उसमें साइन ए से भाग देना है अब कॉस ए कॉस साइन ए कर एकलौता सवाल है ये समझ में आ गया ना देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है तो किससे भाग दे देगा और यहाँ क्या लिखा हुआ है तो किससे भाग दे देगा बात बराबर है कुछ बोल नहीं रहे हो कुछ तो बोलो यहाँ था ना साइन कहाँ गया क्या लिखा है पढ़ो इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो चिकर के पढ़ो क्योंकि हमें sec थीटा और tan थीटा से संबंधित सहसंबंध का प्रयुक्त करती है इसलिए आइए हम सबसे पहले सहसंबंध के वाम पक्ष के अंश और हर को cos थीटा से भाग देकर वाम पक्ष को cos sec थीटा और tan थीटा के पदों में रूपांतरित कुछ बुझा हाँ आंसर किस में लाना है sec और tan में तो sin बटा cos करेगा तो टेन होंगे हाँ। cos कटेगा और वन बटा cos क्या हो जाएंगे sec अच्छा इसीलिए देना है cos से भाग तो हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर देखो तू कहाँ सोच रहे हो उधर मत देखो नोट्स पॉइंट इधर देखो बता रहे हैं तरीका यहाँ पर किसे बदलना है cos और cot में क्या इसमें cos से देगा भाग तो cos बटा cos एक होता है ना क्या वो आ रहा है साइन से दो भाग दो cos बटा साइन क्या होंगे cot मिल गया इससे साइन से साइन कट गया कोई बात नहीं वन बटा साइन क्या होंगे cosec इसीलिए किसे भाग देंगे साइन कारण समझ में आया लोग कहेंगे रट लो शुरू में वो कहते लगेंगे पहले बता देते हैं उसके बाद फिर
कोई दिक्कत? मतलब अभी याद है, एग्जाम में बनाओगे। अब कॉस वाला हम बोले थे कि भाग दे, किसी को याद ही नहीं रहेगा। अब ये सोच लो करना किया है, उसे क्या करना पड़ेगा, लाना क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाना क्या सोचो, हमेशा लाना ये उसके लिए करना पड़ेगा। बोलो क्या करोगे, हटाओ इसको। चलो भाग लगाओ, एक बार लिख देते हैं, तुम लोग को दिक्कत होगा नहीं तो। सैनेस भाग दिए हो, बरका दे दिए, बड़े बट्टा, कोई कष्ट नहीं होगा तुमको। जो हम दिक्कत होता होगा सवाल बनाने में, पक्का दिक्कत होता होगा इसमें, तुमको तो सब में कष्ट था। अब कष्ट है, ईमानदारी से बोलो, हैं झूठे कह रहा है ये। आप पीछा समझ में आ गया ना, अभी तक समझ में आया ना, आगे भी समझ में आया। आगे तो पार्टी खत्म है, आगे दो तीन गो सवाल है। अंश और हर में साइनस क्या करने पर, अब बोलो अंश अलग होते हैं कि हर, अंश हर कभी अलग नहीं। तो इसको ई बट्टा में सब बट्टा में जाएगा ना, कहेगा कैसे होता है। देखो एक्स प्लस वाई है बटे में टू है, एक्स बटे टू और प्लस वाई बटे क्या करते हो, अच्छा एलसीएम लो, दोनों के एलसीएम क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई, देखो दोनों पूरा, इसीलिए अंश क्या होते हैं अलग, क्योंकि उसको फिर एलसीएम लगाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, पूर जाएंगे। एलसीएम लगने के बाद फिर क्या होते हैं, वो पूर जाते हैं। इसीलिए अब बोलो कॉस ए बटा साइन अब करोगे, दिक्कत सबको था, बोल नहीं रहा था कोई, इसीलिए इससे अब सॉल्व हो गया होगा समस्या, था ना दिक्कत। चलो वो सब पता है तुमको कहाँ कष्ट होगा, है ना, और उसके लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन तुरंत दे देंगे। चलो बताओ जाओ अंश क्या होंगे, कॉस बटा साइन होंगे, तो कॉस बटा साइन बोलो क्या होंगे, कॉट और फिर साइन बटा साइन होंगे। यहाँ जैसे कि अलग अलग सबको बट दोनों बटा टुला दिया है ना, साइन बटा साइन कट के एक हो जाएंगे, एक बटा साइन क्या होंगे, कॉस के। बोलो कोई कष्ट, बोल नहीं रहा कुछ, कुछ तो बोलो। अब बोलो कॉस बटा साइन क्या होंगे, साइन बटा साइन एक, अब वन बटा साइन, देखो जहाँ दिक्कत है पूछ लिया करो, हमको सब पता है कैसे समझाया जाएगा तुमको, खुल कर बोलोगे तो ना पता चलेगा, अब मन रखेंगे कैसे पता चलेंगे। जब तक मेरा अनुभव है वहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ हम समस्या निदान करने का प्रयास करते हैं, है ना। अब इतना से नहीं है कि मंतरिया है, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है वो हम जान लेंगे, वो मंतरिया तो कह देता है ना, एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर। चलो क्या जो लाना है लाना, क्या पर हो पर उसको कॉस ए के प्लस क्या लाना है, क्या वो आया कहेगा कॉट ए में बदलने दीजिए कॉस ए साइन में, कहेंगे पहले था तो फिर बदला तो किसमें कहे कॉट ए में, ये सवाल इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, क्वेश्चन उठता होगा ना कि कॉट ए में आया पहले कहे थी बात इसमें बदल दीजिए, कहेंगे ऐसा यदि करना होगा फिर तो उसी में था फिर बदले था इसमें बिना मतलब का, इसीलिए उसको बदलना इसमें कॉस साइन बदलना नहीं है, और इसलिए भी नहीं बदलना है क्योंकि आंसर उसी टर्म में लिया है, इसी टर्म में। उसके लिए तो मैंने इस प्रकार का एल्गोरिथम यूज किया कि भाग दे करके देखो उसमें ला लेते हैं, है ना। कुछ तो बोलो, तू कुछ बोल कह रहा है, तू तो बहुत पढ़ा लिखल है, नहीं पढ़ा लिखल इसलिए किताब पढ़ने में नहीं आता है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस, क्या एक पैकेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा इसको बोलो क्या करोगे, कॉट ए माइनस कॉस ए के, एक पैकेट हम लिख दें, अच्छा चलो ठीक है, प्लस वन। इसमें कुछ संख्या से गुना करते हैं, किससे करेंगे पहले वो तुमको हम बताते हैं। अच्छा लाना क्या, देखो तो कॉट ए प्लस कॉस ए के ऊपर भाग नीचा में हो, ऊपरे है सीधे, मतलब बट्टा में लाना, एक बट्टा नहीं लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए, सीधे लाना है। अच्छा इसका मतलब है कि बट्टा वाला को किसी तरीके से गोल करो, और कॉट ए प्लस कॉस ए के है एक जुट गया तो आंसर पूर जाएगा मेरा, ऐसे सोचते जाते हैं, समझ में आ गया ना, ऐसे सोचेगा तब पता चलेगा नया सवाल आएगा कैसे बनाएंगे, नहीं तो जरूर जो बनाए हो वही बनेगा, दूसरों को मन मन करेगा। लाना क्या है, डायरेक्ट है बट्टा में, इसका मतलब बट्टा क्या करना पड़ेगा, अब कुछ ऐसा करो कि बट्टा रिमूव हो जाए, बट्टा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, अरे बोलो बट्टा क्या हो जाए। अच्छा क्या कॉट स्क्वायर, कोनो दिमाग लगाओ क्या लगाओगे, क्या हुआ,
मसा नहीं काम कर रहा है, हाँ? ऊपर नीचा गुना करो, गुना करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखो cot a है और cos एक ए भी है, नीचा में भी cot a है cos एक ए भी है, इसे गुना भाग करना इकलौता सवाल है ये। हालांकि अब निर्णय ये लेंगे कि यहाँ प्लस से करेंगे कि माइनस से करेंगे, किससे करेंगे, यह लफाज में पड़ता है। उससे पहले थोड़ा सा उदाहरण की मदद लेते हैं, रुको एक मिनट, ये सवाल में बदल लिया, किसे बदल लिया, ये टेन से बदल लिया ना। अब देखो यहाँ यहाँ टेन से है और यहाँ क्या आया है तुमको कॉट, और क्या आया है, हम इसलिए भी इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल एक बार एकदम पूछ चुका है, ये दोनों सवाल ये बता रहे हैं, जो जो भी बता रहे तुमको दोनों बनाया हुआ, इसमें समझाना सिर्फ हमको आता है। अच्छा यहाँ देखो टेन थीटा प्लस क्या है माइनस, अब बटे में लाना है ना। अच्छा यहाँ क्या आया है माइनस, अरे सेम चीज तो है, सिर्फ वहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है, वहाँ टेन था, दोनों क्या है सेम चीज है। देखो अपोजिट साइंस एक तरह से ये चल कर चलो कि अंश का परिमेयकरण की हो या हर की सेम साइन से ऊपर क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसमें भी और इसमें भी करो और आराम से तुमको आ जाएंगे। तो माइनस लगाइए माइनस से करेंगे प्लस से करेंगे, हमको तो नहीं पता, तुम तो बनाए हो दूसरे बार हैं, दूसरे बार नहीं बनाया है, काहे अरे ही तो कट के क्या होगा ना, क्या फर्क पड़ेंगे इससे नहीं पड़ेंगे फर्क, एक ही बार कौन करेंगे दो बटे दो के एक कॉटे माइनस कॉस बटे कॉटे माइनस कॉस से किया फर्क फिर पड़ेगा। अब देखो अब इस पैकेट से इस थैला से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अभी तक नहीं समझ पाए हैं माइनस वगैरह, रूल निकालेंगे हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे तुमको प्लस लेंगे, तो सीख ही जाऊंगा, रूल निकालो खुद से। देखो अब एक बार दिमाग गुना करते हैं पहले फिर आगे बढ़ेंगे, इकलौता सवाल ये है चैप्टर में, गुना दिमाग गुना करो बोलो क्या होंगे गुना करेगा तो बताओ। कॉट ए प्लस कॉस ए में इस पूरा पैकेट में, इस पूरा कौन चीज़ में, इस पूरा पैकेट में से पैक कर दो इसको, इससे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर में आना चाहिए कॉट ए प्लस कॉस ए आना चाहिए ना, निचला वाला सिर्फ हटाना है, मल्टीप्लाई करो तो कॉट ए माइनस कॉस ए के इससे गुना करेगा इसमें, तो ए प्लस ए माइनस क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए माइनस क्या होंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर होंगे क्या, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक फार्मूला होते हैं कुछ तो बोलो ना। चलो एक बार गुना कर देखते हैं, गुना करो तो ये गुना करेगा, ये पैकेट गुना करेंगे कॉट ए प्लस क्या होंगे कोसेक, एक बार देखते हैं गुना करके इंटू कॉट ए माइनस क्या होंगे, एक स्टेप लिख दिए फिर इसमें एक से माइनस गुना करेगा, इसमें करेगा ना तो भाई क्या होंगे माइनस कॉट ए माइनस, अभी ने एक बार नहीं किया इसके पीछे कारण है, बाद में हम कुछ कर भी सकते हैं, समझ में आएगा ना। चलो इस पैकेट में क्या करते हैं करो मल्टीप्लाई, अब तू खुद सोचो, एक और रफ कॉपी लाओ, ये सवाल तू हमको पता है भविष्य में आने वाले समय में उठा उठा पटकेगा तुमको सवाल, यदि एग्जाम में आ जाता है तो लोग इसको छोड़ के चलते हैं और वो बनते भी नहीं, इसमें फिर इससे गुना किसमें गुना क्या वही होंगे स्क्वायर कर दिए, रहने दो स्क्वायर नहीं करेंगे क्या दिक्कत होगा, स्क्वायर काहे करेंगे, ऐसे फिर गुना करेगा क्या होंगे। अब थोड़ा सा दिमाग पर असर पारो और इसको देखो, लाओ रफ कॉपी लाओ, इसको रहने दो, अब तू देखो थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके, जब कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो माइनस देंगे गुना करेंगे प्लस से, कॉपी का लास्ट में थोड़ा सा रफ कर लिया करो, क्या कर लिया करो रफ, थोड़ा सा रफ कर रहे हो तो फास्ट किया करो। अब खुद सोचो कॉट ए प्लस कॉस ए के है और निचला करते हैं एक बार, खड़ाना किसको हमको था एक्चुअली निचला को ना, ये सब ताम झाम किसके लिए किए हैं निचले वाला के लिए किए ना, ऊपर लगा तो मान लो वो तो रखना ही हमको है, निचला वाला करो कॉट ए यदि माइनस गुना किसके अनुसार से कॉट ए माइनस कॉस ए के हो जाएगा, कॉट ए माइनस क्या होगा यही ना होगा कॉट ए माइनस क्या होगा। अच्छा निचले वाला हम चाहते हैं हटाने के लिए, निचला वाला को सबको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए एक, क्या आना चाहिए निचला वाला सॉल्व करने के बाद एक आना चाहिए ना, तभी ना हटेगा
करो कॉट ए माइनस कॉस ए की करो स्क्वायर स्क्वायर क्या होंगे कॉट स्क्वायर ए हाँ यानी कि हो जाएगा कॉट ए माइनस क्या हो जाएंगे वो कॉस ए का के कॉस ए का क्या होंगे होल स्क्वायर अब प्लस फिर क्या होंगे कॉट ए माइनस कॉस ए के होंगे ये माइनस में होगा है ना इतना अच्छा चलो ऊपर लगा वाला को भी रखेंगे ऊपर ऊपर में क्या है बताओ ऊपर में क्या है बताओ इसको करेगा इसको करेगा तो कॉट स्क्वायर ए माइनस क्या होंगे कॉस ए का स्क्वायर ए अब माइनस फिर इससे गुना करेगा रहने दो एक बार तो क्या करो रहने दो कॉट ए माइनस क्या हो जाएंगे ये कॉस ए के हो जाएंगे ठीक है ना अब थोड़ा सा होमवर्क करते हैं फिर सवाल को बनाएंगे अभी दिमाग नहीं काम कर रहा क्या करेंगे देखो अब देखो क्या कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर कोई फार्मूले हैं नहीं नहीं है फार्मूले ठीक है ना हाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है अच्छा एक चीज़ यहाँ से देखो यदि इस कॉट ए माइनस कॉस ए से इस पैकेट से अंदर में गुना नहीं करते हो इस पैकेट अंदर में गुना क्या करते हो नहीं एक बार नीचे लगा करके देखो क्या होती है ऊपर लगा छोड़ो कुछ नहीं कर नीचे लगा करके देखो नीचे लगा करो एक बार नीचे लगा यही था ना नीचे लगा माइनस किए थे कॉट ए माइनस कॉस ए के चलो कॉट स्क्वायर ए पंची होगा कॉट स्क्वायर ए अगर क्या होंगे माइनस टू माइनस इसी माइनस बोलो ना कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बोलो टू कॉट टू कॉट और कॉस ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर आ इसको भी देखो ये सवाल भी साथ साथ लेकर के देखो टेन थीटा माइनस से थीटा ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं टेन थीटा माइनस क्या है और नीचे में भी टेन थीटा माइनस क्या है चेक थीटा इससे मल्टीप्लाई किए हैं अब इसमें देखो क्या हुआ है इसको इसको क्या किया है टेन टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो चुका है ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो चुके हैं ये सेक स्क्वायर थीटा हालांकि वहाँ प्लस करना पड़ेगा गुना तब होगा इसे होंगे नहीं अल्टरनेट साइन से गुना किए जाते हैं एक बार बता रहे तुमको रैंडमली बता रहे हम तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गए टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो चुके हैं और इसका फार्मूला क्या होते हैं एक आ गया है ना अब तू बताओ यहाँ से ये जो फार्मूला इसका फार्मूला कितना होता है एक होता है ना एक होता है क्या नीचा में कभी ये तब हट पाएंगे नीचा में देखो बड़ा टर्म आ रहा है ये नीचा में देखो क्या टर्म आ रहा है ये नीचा में कॉट ए माइनस क्या हो चुके हैं यहाँ पर कॉस ए के बड़ा टर्म आ रहा है कभी ना हटने मतलब एक आएगा ही नहीं क्या एक आएंगे एक आने का कोई चांस नहीं ऊपर में एक हो रहा है अब फिर ऊपर नीचा देखो यहाँ पर फिर कट चुके हैं फिर नीचा में कुछ नहीं करेंगे नीचा में कुछ नहीं करेंगे ये ऊपर नीचा कट जाते हैं यानी कि तू देखना कि प्रूफ करने वाला जो तुमको लाना है प्रूफ करने वाला उसमें क्या साइन लगे हुए हैं माइनस लगे हुए हैं कि प्लस लगे हुए हैं इसमें क्या लगा हुआ है इसीलिए उसने माइनस से किया है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस किसे गुना किया टेन थीटा माइनस सेक थीटा गुना क्योंकि ये यही था बाद में फिर उसे माइनस को मानने करने का अब बोलो हम लोग अब यहाँ किससे गुना करेंगे माइनस से नहीं क्या लाना है तुमको है इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं किए थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दो इस सवाल में अब नहीं भूलेगा कभी एक बार बना देते हैं ना जैसे गलती करते हैं सवाल में तो बोलो यहाँ से क्या करता कॉट ए प्लस क्या करता कॉस ए के बात समझ में आ गया ऐसा क्यों कर रहे हो हाँ बनाने के बाद चलेगा इसमें क्या करोगे प्लस बोलो इसमें क्या करोगे प्लस इसमें क्या करोगे प्लस इसमें क्या करोगे अब बैठेगा कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला बढ़ जाएगा ऊपर नीचा डिजिट ऊपर नीचा हालांकि कैलकुलेशन इसमें नहीं गुना नहीं करो ऊपर लगा छोड़ दो वैसे ही मत कुछ करो चलो नेक्स्ट पेज बढ़ाओ पेज लगा हुआ नहीं है देखो ये कॉट ए प्लस कॉस ए के आ चुके हैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है ब्रैकेट में देखो ये कॉट ए प्लस कॉस ए के है ना इसमें मत करो गुना क्योंकि ये तो तुमको खुद आर एच एस मिल ही रहा है इसमें नहीं करेंगे गुना इसको सॉल्व करो ये ऊपर नीचे कट जाएंगे यही सिर बचेगा इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये कट जाएंगे समझ रहे हो ना ये कट जाएंगे सिर्फ यही बचेंगे इसीलिए इसमें कुछ नहीं करना हालांकि इसमें कर दे तुमको नहीं करना है अब तो कर दें तो काटेंगे नहीं रहने दो वैसे ही है ना हटाओ स्पेस को हटाओ चलो पकड़ो तो ऊपर वाला का कुछ नहीं करो कॉट ए प्लस कॉस एक ए माइनस क्या है ये वन इंटू कॉट ए
प्लस कोस ए के अपॉन नीचा में चलो इसको कुछ नहीं किए हाँ लिखा हुआ तो समझ चलो अब गुना करो इसको इसको गुना किए हो ना बताओ ए माइनस बी है ए प्लस बी तो क्या होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे अच्छा फिर क्या होंगे यहाँ से कॉट ए प्लस क्या होगा यहाँ से कोस ए के होगा एक लाइन का सवाल था चलो यहाँ से अब बोलो ऊपर लगा वाला को कॉट ए प्लस कोस ए के माइनस क्या होंगे अब खींच देते हैं तुरंत 10 मिनट में सवाल सबको इसी में टाइम देते हैं थोड़ा सा आगे बोलो अब क्या होंगे यहाँ से फार्मूला क्या पढ़े हो कोस ए का स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ना जी यहाँ क्या लिखा हुआ कॉट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस एक प्लस कॉट ए प्लस बोलो कोस ए के होंगे देखो सेम पैकेट है कट गया कहेगा कैसे कैसे काट दिया कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में कोस ए के प्लस कोस माइनस माइनस क्या बचे गया बोलो यहाँ से कॉट ए प्लस क्या बचा कोस ए के यही लाना था ना नेक्स्ट सवाल लिखो मांग बतवा कर तभी से क्वेश्चन नंबर छः LHS अरे समझ में आ गया अब देखो ये इतना जोर दिया है ना इसमें अब तुमको इतना पता रहेगा गुना किसे करेंगे हम इन्हें तो सवाल वगैरह इतना बड़ा तो रटना पड़ता है मैंने तीन दो क्लू दिया मात्र सवाल में कितना क्लू दिया देखो एक बार समरी कर देते हैं पहले से तू देखना इसको पढ़ना देखना लाना किया है लाने में यहाँ पर था कॉस ए प्लस कॉट ए यानी कि साइंस भाग देंगे तब होगा आगे आओगे यहाँ तक आओगे कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ दिमाग में काम करेगा वेरिएबल को साथ कर लो वेरिएबल क्या करो देखो वेरिएबल मैंने क्या किया है वेरिएबल मतलब कॉट ए कॉस ए के वेरिएबल होते हैं इसमें क्या करिए हैं साथ कर लिया अब देखो लाना किया है कॉस ए के प्लस कॉट ए है जो लाना उसी ऊपर नीचे गुना करो उसी से क्या करो अच्छा हटाना नीचे लगा है ना नीचा वहाँ एक है ना नीचा गुना करेंगे ऊपर कुछ गुना उना सिर्फ वैसे ऊपर में स्वभाग लिख छोड़ दो यही के स्वभाग क्या लिख के छोड़ नीचे लगा गुना करो तो वो जो फालतुआ वाला चीज है वो फालतुआ कट जाएगा वही जो बच जाएगा आंसर तुम्हारा सीधा एक लाइन में और यहाँ भी देखो वही काम हुआ है यहाँ भी क्या हुआ है वही काम हुआ है इस सवाल में भी साइन है तो यहाँ सेक टेन में लाना है तो कॉस से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है यहाँ तक आया है यहाँ तक फिर लाना क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा ना अब कहेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको गुना करना चाहिए लेकिन यहाँ पर सेक टेन थीटा प्लस क्या है इसीलिए से किया अरे माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यही पुट जाएगा ना माइनस कॉमन लेकर के इससे कॉमन माइनस लेंगे ये पुट जाएंगे ना तो इसमें देखो उसी से क्या कर दिए हैं ऊपर लगा वाला के कुछ नहीं इसमें इसमें करना है ऊपर लगा वाला के देखो इसमें किसमें किया है ऊपर लगा वाला किया है नीचे लगा वाला के नहीं किया है ऐसा क्यों क्योंकि आंसर है नीचा में आंसर किसमें है इसीलिए जिसमें लाना है ना उसको कुछ नहीं करो क्या करना है यहाँ किसमें ला नीचा ब्लॉक लाना नीचा ब्लॉक कुछ नहीं करो ऊपर लगा ब्लॉक करो इसमें वाला किसको लाना था नीचे ऊपर डायरेक्ट लाना था किसमें गुना हुआ किए ऊपर लगा में छोड़ दिए यही हुआ दोनों सवाल का कुल्लू धरने का कुछ समझ में आया एक बार जा करके अपने मन से बनाना सब बात याद करना सवाल दिमाग में ऐड हो जाएंगे हटाओ इस पेज को हटाओ रिमूव करो इस पेज को रिमूव करो इस पेज को ये सवाल इसलिए मैंने बताया कि लोग इसको देखते हैं बहुत रटते हैं इसलिए थोड़ा इधर उधर करके जोर देते हैं यानी कि टाइम देते हैं झूठों से टाइम लो सवाल ले आते हैं टाइम ताकि तुमको अधिक समय तक याद रहे सवाल ज़्यादा समय तक याद रहेगा इतना चीज करने के बाद अब तू नहीं भूलोगे भूलेगा भूल जाओगे नहीं भूलेंगे काल नहीं भूलोगे एक बार लिख लेंगे बस है ना अरे हाँ यार माइनस को क्या अच्छा माइनस को हालांकि एक बार सिस्टमेटिक रूप से लिख देते देखो कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस कॉट ए है ना माइनस वन तो कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस वन सेम ही तो मिल रहा है पैकेट नहीं मिल रहा है सेम पैकेट तो काट दिए पूरा मतलब पूरा पैकेट है पैकेट कटता है इन्हें बुझना कि कॉस ए के कॉस ए खाली कटा है इस सब पैकेट से पैकेट कटता है ऊपर नीचा एक एक डिजिट नहीं कटता खाली डिजिट है ना पूरा पैकेट काटे हैं सेम मिला पैकेट काट दिए हम आज कोनो ने बनाना सवाल कोनो बनाओ नहीं बनाओ इसको जरूर जाकर बनाना सब आसान है कैच खड़ा यही दोनों है दोनों को सॉल्व कर लेना बस जाओ एग्जामिनेशन आ जाएगा तो चार पाँच हाँ ये सवाल पाँच है उधर है तीन बोलो है ना कैच खड़ा जी लफड़ा सवाल है इसलिए मैंने इस पर टाइम देकर के इसको हम बताते हैं चाहे जितना टाइम लग जाए मेरे हमने एलएचएस बराबर अब तो सबको 15 मिनट में खींच देंगे चलो जल्दी वन माइनस के वन प्लस क्या है वन माइनस क्या है क्या चल रहा है अच्छा रूट हटने का हर का क्या करना पड़ेगा एलसीएम परिमेयकरण हर का क्या कर दो चलो बताओ हर का परिमेयकरण करो वन प्लस साइन ए हर का परिमेयकरण मतलब पति साइन से ऊपर नीचा बहुत खूब कोई दिक्कत बोलो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का बहुत खूब पढ़ल लिखल ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए बोलो कोई दिक्कत तो वन प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो वन प्लस क्या होंगे साइन ए बटे, बोलो आंसर अलग करो, वन बटा कॉस ए, फिर साइन ए बटा क्या होंगे कॉस ए, वन बटा कॉस ए बराबर सेक ए, प्लस क्या होंगे ये ग्रुप हुआ। नेक्स्ट सवाल बोलो क्या हुआ जी, ठीक है ना, ये समझ में आया। अच्छा मन में होता होगा ये तो साइन कोस में पहले से था, ये था सेक टेक में, इसको लेकर चलते, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जटिल कौन है बता, दोनों कौन जटिल है, रूट देखकर डर लगता होगा ना, उसी को पकड़ो रूठे वाला पकड़ो, इसीलिए उसको पकड़ कर कर दिए। कहेगा फिर आपको कैसे पता चला कि हर का इसका परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि बिना परिमेयकरण किए हुए रूट हटबे नहीं करेगा, रूट हटाना तुमको है, रूट हटेगा तभी ना सीधा आएगा वो, इसीलिए मैंने हरे का परिमेयकरण किया। बात समझ रहे हो ना, दो को क्लू धरा गया। आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2016 पॉलिटेक्निक, 2014 पॉलिटेक्निक, 15 पॉलिटेक्निक इंट्रेंस क्वेश्चन पूछा हुआ, जाकर देख सकते हो। 7 नंबर में एल एच एस बराबर, जो बड़ा उसी पकड़ो, बोलो जल्दी, साइन थीटा साइन साइन कॉमन ले सकते हो, ऊपर नीचा ले लो जो दिखता है, पहले क्या करो वन माइनस आंसर टेन थीटा है। अच्छा टेन दिया है, और देखो थोड़ा सा अलेवन इसमें लग रहे हैं, कॉस टू ए बराबर फार्मूला, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, ए वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो दोनों कॉस टू कट गया, साइन बेटा कॉस टेन, समझ में आ गया ना। चलो अच्छा अच्छा साइन बेटा कॉस ये है ना, रहने दो, देखो टेन आ गया है, देखो है ना टेन, अब तू सोचो किसी तरह का दोनों का यदि काट दें हम खत्म हो जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाएंगे, अब सोचो कटेगा कैसा। अच्छा ये साइन भाई क्या है, अरे एक में आएगा तब ना, किसी एक को किसी में बदल दो, जिसको मन करे उसको, मन करता है साइन के कॉस में, मन करता है कॉस को किसी में बदल दो, जिसका मन करता है उसी बदलो। चलो साइन ऊपर लगे बता बदलते हैं, इससे पहले कॉस लगा देना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस क्या होंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे बोलो क्या होंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोई दिक्कत, साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन हो चुका है, अब तुमको दिमाग लगा काटना कैसे उसको, दिमाग लगा काटो उसको, बोलो वन माइनस टू इंटू वन टू, माइनस माइनस प्लस क्या होंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और कुछ नीचा में क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है ना। अच्छा टेन थीटा तो है, उसको कुछ करेंगे नहीं, अब बोलो टू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखो, पहले क्या करो टू कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा एक माइनस दो कितना होता है, अच्छा माइनस एक, तू तो बहुत पहले लिखल है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यो कह दो कटने वाला कट गया, तो टेन थीटा बराबर आर एच एस क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज लाओ, लगाओ नहीं है तो लगाओ, हाँ तो लगाएगा काहे ना, रुकना नहीं चाहिए और लगाएंगे, हाँ एक और लगा देना, तुम्हारा इच्छा है लगाने का तो मना कैसे कर, लिखल का देंगे एक भग भगा हुआ। चलो एल एच एस बोलो, अरे सवाल बोलो, 7 नंबर एल एच एस बराबर, जो नंबर है हिंदो कोनो नंबर इन है, एल एच एस बराबर की लिखल है प्लस, अरे एक बार तू लोग मैथ पढ़ा है ना, मैथ पढ़ लो ना एक बार, स्पीडो की संगत फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है, खत्म इसमें क्या दिख रहा है, क्या मन में होता होगा बदल देंगे, बदलो साइन ए बटा क्या करेंगे, इसीलिए तो फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो एक्सपीरियंस में तो सब हाफने लगता है। हैं कॉस ए अपन बोलो वन अपन क्या होंगे वन बटे कॉस ए, आगे बोलो जब क्या दिख रहा है इसमें, लघुत्तम ले लो, जो दिखता है क्या करो दिमाग नहीं लगाना है, साइन स्क्वायर ए लाना क्या था टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे, प्लस क्या होंगे और फिर इसका क्या है, ठीक है अच्छा प्लस था बीच में, अरे नहीं है प्लस, कौन सा बना रहे हैं, चल ठीक है सवाल ठीक बना रहे हैं, इसे बोलो क्या करेगा, इसको बताओ ना क्या करेंगे, बताएगा तब ना करेंगे, तुम तो बताते हैं नहीं, तुमको जानकार लोग होने बताते हो, जानकार लोग हैं, अब बोलो क्या दिख रहा है, अब बोल भी नहीं रहा जी, स्क्वायर नहीं कर सकते हो, करो ना स्क्वायर,
एन सवाल है साइन सेक साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर प्लस कोसे का अलग अलग का हो जाएगा उसका कोट। हाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोरन इसको बैठाओ साइन फोर ए प्लस ए हाँ टू साइन स्क्वायर टू साइन पावर फोर नहीं टू साइन स्क्वायर स्क्वायर कैसे स्क्वायर स्क्वायर ठीक है ऐसे ना बनेगा ऐसे ना बना है सवाल क्या सवाल बनाया है 200 बार हमको कॉपी देखेंगे कॉपी सब चेक करेंगे कॉपी लगाएंगे हेलो ये नहीं बनाएंगे लेकिन और सब हम बेच लेंगे उस चाय बदल के उस प्याज बदल के खा लेंगे याद हो जाएगा ना सब तुम्हारा 200 बना ले तो हमको दिक्कत नहीं होगा मैं सुनाने में कभी चलो ठीक है आगे क्या करेंगे बताओ जब क्या दिख रहा है बोलो अरे भाग दे दो सीधा सीधी यही दिख रहा है क्या दिख रहा है अभी दे दो भाग साइन स्क्वायर ए साइन फोर ए बटा करेगा तो क्या होंगे ये साइन स्क्वायर अलग होता है ना जी कि नहीं होता है हाँ। होता है तो करो अलग यहाँ भी कर सकता था भाग दे करके चलो जो मने जहाँ मने वही करो नहीं कर सकते थे चलो लंबा बढ़ाओ एक स्टेप और दसवां है साइन स्क्वायर क्या होंगे टू और वन बटा साइन स्क्वायर क्या होंगे अरे कुछ कुछ बोल नहीं रहा तो खूब पढ़ा लिखा ले कुछ तो बोलो अरे वन बटा साइन स्क्वायर क्या होता है अच्छा कोसेक स्क्वायर होता है उस कारण से हम स्टेप बढ़ाते हैं स्टेप बढ़ाएं तो मुझे कहीं काट लेंगे फिर समझ गया होगा ना कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये क्या होंगे ये हमारा आंसर आ चुका है टू टू क्या होंगे कॉस स्क्वायर अब प्लस वन बटा कॉस स्क्वायर क्या होंगे ये एक बार मिला लो मुँह उससे अरे वन बटा क्या है ये सेक स्क्वायर है आएगा वन बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है कुछ और होता है अब देखो साइन स्क्वायर यहाँ पर है साइन कॉस स्क्वायर कहाँ पर है यहाँ पर है तो क्या होंगे बताओ एक हाँ होंगे ठीक है चलो एक लिखो एक प्लस क्या लिखेंगे दो एक प्लस क्या लिखेंगे ये दो और कौन दो सही है हाँ। अच्छा एक प्लस दो प्लस ये दो प्लस फिर बोलो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए ठीक है बोलो दो दो चार एक पाँच अब फिर भी देखो आया है क्या नहीं अच्छा आंसर किस में है टेन और कॉट में अरे हम लोग तो एक जमाना था कॉस सेक कोसेक का फार्मूला टेन कॉट में पढ़े थे एक समय था बोलो कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और क्या फार्मूला होता है अब देखो तुरंत रिवील रिवील कर रहा है करो वन प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर और बोलो वन प्लस टेन स्क्वायर होता है ना ईसा बात नहीं पढ़े हो पढ़ाए थे पाँच एक छः एक बहुत खूब सात प्लस पहले लिख दो इसको टेन स्क्वायर को कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ प्लस कॉट स्क्वायर हैं आर एच एस प्रूव्ड प्रूव्ड हो चुका है कुछ किए जो दिखा करते गए अपने निकल गया सीधी सी बात है नेक्स्ट प्रॉब्लम हाँ एल एच एस को लो कोसेक ए अब तो एक बच्चा उसको तो छोड़िए के रहेंगे बनाइए के रहेंगे चाहे उसके लिए अरे अभी तो ढेरी सेम है केमिस्ट्री भी पढ़ेगा कौन सी का अच्छा टेन डिस्टेंस उन्हें पढ़ाएंगे भारी है वो हैं तो भारी है चैप्टर बता देना हमको कौन भारी सवाल है लोग बनाएंगे हम सवालों तो हमको डरा देता है ये सवाल चैप्टर भारी है सेक ए माइनस क्या है कोसे है ना इसको किस मत लेंगे यही दिख रहा है अरे जो दिखता है वही करो दिमाग कुछ दिमाग पर कोई असर मत मत डालो वन बटा कॉस अब क्या दिख रहा है बताओ तू कहेगा अब क्या दिख रहा है तुमको एलसीएम लो एलसीएम वन माइनस क्या होंगे साइन होंगे इसमें एलसीएम लेगा क्या होगा अब मन में क्या होता है अब मन में क्या होता है सूत्र लिखने का होता होगा ना लिख दो मन में हो रहा है तो छुपाओ मत बोल दिया करो वन माइनस स्क्वायर बोलो क्या होंगे कॉस स्क्वायर बटे बोलो इसमें क्या होता है हाँ लिखिए दो रुकना नहीं है अब क्या दिख रहा है काटेगा काटो साइन साइन कटा कॉस कॉस क्या होगा तो साइन यहाँ है और यहाँ तो साइन इंटू क्या बचा साइन ए इंटू अच्छा क्या जो लेना है वो आया
नहीं लाना, देखो वो पक्का होगा टेन में, इसलिए नहीं आया। देखो टेन कॉट में किस में है वो, इसीलिए फिर उसको क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, बदल देंगे। इसका खुला टेन के फॉर्म कहाँ होता है, कब पढ़ा है तू है, बहुत पढ़ा लिखल है। आर एच एस बराबर कौन चीज़ बराबर, आर एच एस बराबर, आर एच एस बराबर वन बटे टेन ए प्लस कॉट ए, ये किस में आया है, साइन कॉस, इसीलिए इसको क्या करोगे, साइन कॉस में क्या करेंगे बोलो, बदलेंगे तो वन बटे टेन ए बराबर बोलो साइन ए बटे कॉस ए, कॉस ए कॉस कॉट ए बराबर बोलो कॉस ए बटे साइन। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, हुजूर पेज बढ़ाइए, पेज लांग देखिए वो सब उखाड़ लो, उखाड़ो ना पेज जल्दी से, चलो अच्छा वो सवाल लाओ, कहाँ तक सवाल आया है, चलो ठीक है। हाँ एल्शियम दिख रहा है दोनों में, ले लो एल्शियम, वन अपॉन कॉस ए इंटू क्या होंगे साइन ए, अच्छा कॉस कॉस कैंसिल तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होंगे ये कॉस स्क्वायर होंगे। अच्छा बोलो ये कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वन गुना कॉस ए इंटू क्या होंगे साइन ए, अब बटे बोलो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होंगे एक, अब बराबर क्या आ गया कॉस इंटू साइन ए आया है, एक से गुना भाग फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण नंबर कितना हो गया दो, समीकरण एक और दो से फैन ऑन करो, समीकरण एक एन कहाँ से दो से एल एच एस अंतिम दानी, अरे अंतिम वाला है ना कॉस ए गुना, अच्छा क्या क्या वजह से पढ़ रहे हो, कितना घंटा, डेढ़ घंटा बोले थे ना, हालांकि उस वाला टाइम लगा, डेढ़ घंटा नहीं खत्म होता है चैप्टर ही है, लेक्चर बना एक घंटा 16 मिनट का, देख लो सबूत यहाँ मेरे पास जितना देर में पढ़ा है, बाकी तो टैब लगाने का उसमें गया है, लगा चलो डेढ़ घंटा में है टारगेट की कितना बढ़ाएंगे डेढ़ घंटा चैप्टर, ये निपटा देते हैं है ना। चलो एल एच एस आज देखो इसमें तीन पार्ट है, इसमें कितना पार्ट सवाल में है, इसीलिए फर्स्ट एल एच एस मत बोलो, क्या बोलो इसका फर्स्ट पार्ट, है ना तीन पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट बोलेंगे तो किस में सबको लाना है टेन स्क्वायर करना है ना। अच्छा तो बहुत पढ़ा लिखा है जी, वन प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या कहते हैं साइन एम साइन कॉस में कर नहीं दीजिए, अरे कर सकती हो लेकिन जब लगता है तो लगा दो फॉर्मूला, नहीं लगेगा तभी ना साइन कॉस में, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है ना सेक स्क्वायर ए, तो बोल कहे ना इतना पढ़ा लिखा क्यों बोल रहे हो, इसका क्या पढ़ा है तू लोग कॉस एक स्क्वायर नहीं पढ़े हो, ही लेकिन आंसर क्या है इसमें टेन स्क्वायर है ना, अब सेक स्क्वायर बराबर बोलो वन बटा कॉस स्क्वायर, वन बटा क्या होंगे कॉस एक स्क्वायर वन बटा क्या होंगे साइन स्क्वायर बोलो क्या हुआ कुछ ठीक है ना, बोल देना तो वन बटा क्या होंगे ये कॉस स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर बटा क्या होंगे ये वन, और साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या मान लो इसको एक, सेकंड पार्ट बोलो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट सवाल को बोलो है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पर ये साइन कॉस कर सकते हो, जो मन माया वही करो सवाल बनेंगे, दोनों तरीका से बनते हैं स्क्वायर कर देते हैं या साइन कॉस मतलब किसी में भी करो, तो बोलो वन माइनस टेन का होल स्क्वायर करो जल्दी करो, वन माइनस टू माइनस टू टेन स्क्वायर, वन टू टेन प्लस टेन स्क्वायर, क्यों तो खूब पढ़ा लिखा है जी हमको तो पता ही नहीं था ये बात, तो इसको बोलो जल्दी से जल्दी बोलो, वन माइनस टू कॉट वन माइनस टू कॉट प्लस टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर ठीक है। हाँ अब क्या करोगे बताओ, देखे देखो अब क्या करोगे, वन यहाँ पर वन है और यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होंगे कौन सी सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर में टू टेन होंगे, अब देखो आप यहाँ किए हो ना तो फिर इसको साइन कॉस में बदलना ही पड़ेगा, बिना साइन कॉस बदले हुए सवाल ये सॉल्व, देखो ये दोनों जोड़ा तो क्या निकला सेक स्क्वायर, अब माइनस क्या निकला टू टेन ए ठीक है, हालांकि फिर बदल देंगे तो हो जाएगा उसी भी बनेंगे, लेकिन आसान फेलेबल कर लेते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होंगे कोसेक स्क्वायर माइनस क्या होंगे, क्या जो लाना है वो आया, इसको फिर क्या करना पड़ेगा कि हमको उससे अच्छा है कि यहीं बदल लेंगे,
उससे अच्छा क्या है, ये भी गलत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा जाएंगे प्रोसेस, क्या जाएंगे लंबा, लेकिन रूल फेल वह नहीं करेंगे, कर सकते हो। आसान होगा इसमें कि सबसे आसान होता है साइन को क्या करिए, आँख मुन के घिंच दीजिए, वो कभी नहीं फेल करते हैं। तो बोलो वन माइनस साइन ए बटे क्या होंगे, कॉस ए बटे वन माइनस कॉस ए बटे क्या होंगे, साइन ए। अब पूरा का क्या है, हॉल स्क्वायर है, इसमें क्या ले लेगा बोलो, एलसीएम। तो कॉस ए एलसीएम हुआ, तो क्या निकल चुका है ये, कॉस ए माइनस साइन ए, इसको बोलो एलसीएम ले लेगा, साइन ए होंगे ना, साइन ए माइनस क्या होंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको अभी मत करो होल स्क्वायर, पहले इधर उधर कर लो अपने साइन रिकॉर्ड से ना। चलो तो कॉस ए माइनस बोलो साइन ए, अब बटे बोलो ई वाला लिखे, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएगा तो साइन ए, अब बटे साइन ए माइनस क्या होंगे, कॉस ए, पूरा का क्या होंगे। अच्छा बोलो क्या ये दोनों कटेंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ साइन ए माइनस कॉस, यहाँ कॉस ए माइनस क्या है, अब माइनस क्या करेगा, बाहर निकाल लेना। चलो इससे माइनस किस चीज़ से निकालो बाहर, जिससे मन करे उससे, ऊपर लगा वाला से हम निकालते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस ए इससे माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉस ए, अब प्लस क्या होंगे, साइन ए, अब माइनस बाहर में लिख दो, माइनस एक लिख दो बाहर में, अच्छा माइनस फिर लिख दिया, अच्छा यहाँ लिख दिया, बोलो अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, आइए साइन बटा कॉस क्या हो गया, टेन ए हो गया ना, जानने देते हैं उसको टेन ए, इसको लिखो यहाँ बट्टे में, तो साइन ए, ये देखो यहाँ माइनस लगे हुए हैं, माइनस लगे हुए थे यहाँ पर, माइनस बाहर निकालेगा तो यहाँ माइनस नहीं होगा, होगा ना माइनस, नहीं होगा माइनस, यहाँ माइनस लगे हुए हैं ना, तो ये साइन ए माइनस क्या हो गया, ये कॉस ए, अब गुना साइन ए बटे क्या कोई कष्ट, अब पूरा का क्या था क्वेश्चन में, क्या हुआ, होल स्क्वायर था। अब बोलो ये डिजिट सेम मिल रहे हैं दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइन बटा कॉस क्या होगा, माइनस टेन ए, माइनस टेन ए, माइनस टेन ए का पूरा क्या है, तो माइनस टेन स्क्वायर क्या होंगे बोलो, प्लस टेन स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस होंगे ना। अच्छा ये कितना है, ये क्वेश्चन नंबर कितना माने थे, दो माने थे ना, हाँ अब तो हो तो गया, तीनों बराबर देखो, ये भी कितना आया है टेन स्क्वायर, ये भी कितना आया है, अब बराबर कितना लाना था, और एक घंटा 20 मिनट की पारी खेलते हुए विकेट इंडो वाइज चैप्टर का आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब सबको बराबर कर, हाँ लिखो बराबर हो चुका है ना, समीकरण समीकरण एक एंड कहाँ से, दो से, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट बराबर सेकंड पार्ट बराबर क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर समझ में आ गया ना, उसको कहाँ तोड़े हैं थर्ड पार्ट, पूछिए हैं वो तो खुद पर खुद आ गया है वैसे, हाँ खुद को क्या करें आगे, छोड़ दें, चलो छोड़ देते हैं, चलो पेज खोल।